हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस मेरी वीडियो में बात करने वाले 2018-19 वाले पेपर को, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि पादप रोग उत्पन्न करने वाले दो जीवित कारकों के नाम बताने हैं। तो दो जीवित कारक कौन से होते हैं? एक तो जीवाणु होता है, एक क्या होता है आपके फंजाई होता है, ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें कि MLO का पूरा नाम क्या है। तो MLO का पूरा नाम क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रहा कि वाई में लाल किट रोग का कारक क्या होता है? तो वो होता है आपके सेवाल होता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रखा है कि डेस एक रोगजनक की रोग उत्पन्न करने की क्षमता या योग्यता क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपके पैथोजेनेसिटी कहलाती है, या रोग जनता जनकता जिसे कहा जाता कहलाती है। उसके बाद में क्वेश्चन रखा है कि कोई भी जीवित या अजीवित कारक अथवा रूपता जो पौधों में रोग उत्पन्न कर सकता है तो वो क्या कहलाता है? आपके पैथोजन या रोगजनक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रखिए, पौधों के किसी अंग में असामान्य वृद्धि उसकी घटना कोशिकाओं के आकार में बढ़ने के कारण होती है, तब वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है महाकायता कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपरट्रॉफी कहलाती है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि आलू का कृष्णांत रोग निम्न डेस स्मरण एवं उच्च भंडारण तापमान के कारण उत्पन्न होता है। यानी आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग है, आलू का ब्लैक हार्ट रोग है, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, ठीक है। कवकों में आगे क्वेश्चन है कि कवकों में परपोषी से चिपकने वाले अंग डैश अंग कहलाते हैं, तथा परपोषी पौधों में भोजन का अवशोषण करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? चूसका अंग कहलाते हैं, ठीक है। तो अवशोषण करने वाले तो चूसका अंग कहलाते हैं, और चिपकने वाले क्या कहलाते हैं? असंगांग कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है, आगे क्वेश्चन है कि चल बीजाणु दो प्रकार की कशाबीकर डेस तथा डेस रखते हैं, तो वो क्या रखते हैं? एक तो विप्टेललेस टाइप होते हैं और एक होते हैं टिनसेलेट टाइप होते हैं, टिनसेल टाइप होते हैं। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या दे रखा है कि इसमें डेस पूर्ण मूल परजीवी है, यानी पूर्ण जड़ परजीवी क्या होता है? तो वो होता है आपके ओरोबंकी होता है, ठीक है। क्या होता है? ओरोबंकी होता है, ठीक है, ओरोबंकी उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ओरोबंकी आ जाएगा। ये आगे क्वेश्चन दे रखा है कि कवक विज्ञान के अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो कवक विज्ञान है, उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखा है कि स्ट्राइगा पौधपोषी को सम्मिलित किया जाता है, तो किसमें सम्मिलित किया जाता है? वो खिलाया जाता है आपके फेनरोगेमिक पौध परजीवी में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि विल्ट रोग डेस के कारण होता है, जो विल्ट रोग होता है किसके कारण होता है? वो होता है कवक के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि कौन सी कवक पौधों में अल्फाटॉक्सिन उत्पन्न करती है, यानी कौन सी कवक है जो पौधों में क्या करती है? अल्फाटॉक्सिन उत्पन्न करती है, तो होती है आपके एस्परजिलस होती है, ठीक है। क्या होती है? एस्परजिलस होती है। उसके बाद में क्वेश्चन देखा है कि कवक जो जीवित मेजबान पौधे पर बढ़ जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहता है? अविकल्पी परजीवी कहा जाता है, ठीक है ना। कवक आगे क्वेश्चन है कि कवक जो जीवित मेजबान पौधे पर बढ़ जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अविकल्पी परजीवी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि ओरोबंकी परजीवी है, ओरोबंकी क्या होता है? ओरोबंकी और संपूर्ण मूल परजीवी या पूर्ण जड़ परजीवी जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पूर्ण जड़ परजीवी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रखा है कि गेहूं में मोलिया रोग किसके कारण होता है? जो गेहूं में मोलिया रोग पाया जाता है वो किसके कारण होता है? वो होता है सूत्रकृमि के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रखे, द्विनाम द्विपदनाम पद्धति में प्रत्येक जीव के नाम के लिए कौन से दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? वंश का और जाति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें, उसके बाद में क्वेश्चन है कि सभी यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव संबंध रखते हैं, जो सभी यूकेरियोटिक जीव है एक कोशिकीय जीव जो संबंध रखते हैं प्रोटिस्टा से संबंध रखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि कवकों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है तो वो क्या होता है? काइटिन होता है। जो कवकों की कोशिका भित्ति हो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। ट्रू फॉल्स आपके नहीं पूछे जाते हैं। आगे थ्योरेटिकल पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है कि अन्योन्य संरक्षण रक्षी संरोपण क्या है उसके बारे में बताना है, क्रॉस प्रोटेक्शन क्या होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। आगे उसके बाद में बात कर रहा है कि विकल्पी परजीवी किसे कहा जाता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन देखा है कि एपोथीसियम किसे कहा जाता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि किण्वन किसे कहा जाता है, किण्वन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। जीवाणु भोजी किसे कहा जाता है, बैक्टीरियोफेजेस किसे कहा जाता है उसके बारे में बताना है।
उसके बाद में क्वेश्चन है कि परजीवी व रोगजनक क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। विषम थैलस या विषम जाली का कवक किसे कहा जाता है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि सहजीवन व प्रतिजीविता में अंतर स्पष्ट करना है, यानी सहजीवन क्या होता है और प्रतिजीविता किसे कहा जाता है, उसके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि रोगधारिता और रोगजनकता के में अंतर क्या होता है, उसके बारे में बताना है। वेदन तथा संक्रमण क्या होता है, उसके बारे में बताना है। प्रवेशन या संक्रमण किसे कहा जाता है। क्वेश्चन रहेगा कि स्वपोषित जीवाणु किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद बात कर रहा है कि एगार एगार क्या होता है, उसके बारे में बताना है। एगार 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 क्या होता है, कल्चर मीडिया होता है जो कि वाइट वाइट रंग का होता है थोड़ा, ठीक है, चूने जैसा पदार्थ होता है। उसके बाद में बात करें वायरोइड क्या होता है, वायरोइड मैंने पहले बताया था कि वायरस जैसा होता है, इसमें आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। उसके बाद में क्वेश्चन है बड़े वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्रकर्मियों में जनन की विभिन्न विधियों का क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रखा है कि आम में काला सिरा रोग, ब्लैक टिप रोग का रोग कारक, लक्षण और प्रबंधन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देनी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि विषाणुओं के सामान्य लक्षणों का वर्णन करना है, यानी विषाणुओं के जो सामान्य लक्षण है उनके बारे में बताना है। क्वेश्चन रहेगा कि विषाणुओं में संचरण की विभिन्न विधियों के बारे में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि आलू के ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है, लक्षण और प्रबंधन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देनी है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि गेहूँ में गोगला या सेहू रोग का रोग कारक, लक्षण व प्रबंधन के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि कवक कोशिका में अल्ट्रा संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, कवक कोशिका में कि अल्ट्रा संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रखना है कि सेब एप्पल के क्राउन गोल रोग के रोग कारक, लक्षण तथा प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी देनी है, ठीक है। मैं बात करें बड़ी वाले क्वेश्चनों में, फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोग जनकता किसे कहा जाता है, पैथोजेनेसिस किसे कहा जाता है, रोग जनकता के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पौधों को वर्णन करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि जीवाणु को परिभाषित करें, जीवाणु को परिभाषित करना है, जीवाणु के आकार, जनन एवं विभिन्न विधियों का क्या करना है, वर्णन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि लास्ट क्वेश्चन है कि परजीवी पुष्पीय पौधे या आवर्तजीवी परजीवी किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं और किन्हीं दो परजीवी पुष्पीय पौधों का वर्णन एवं प्रबंधन उसके बारे में उल्लेख करना है, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।